नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाफ फिजिक्स वेक्टर हाफ स्केलर है, ठीक है ना। तो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर लॉ से ऐड होता है और जो स्केलर है वो स्केलर लॉ से ऐड होगा। वो कैसे ऐड होगा वी विल सी नाउ। नाउ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज and can be added by simple law of algebra. So see the definition, those physical quantities which has only magnitude and no direction and can be added by simple law of algebra. Example, kai hai mass, speed, energy, distance, electric potential, time, power, charge, temperature, volume, etc. All these are scalar quantities. जैसे व्हाट इज 3 kg + 4 kg, मास इज स्केलर, तो 3 kg + 4 kg विल बी ऑलवेज 7, ठीक है। सिमिलरली मान लो टाइम इज स्केलर, 5 second + 10 second इट विल बी ऑलवेज 15 second, ठीक है। सो ये 3 meter + 4 meter विल बी ऑलवेज 7 meter, ठीक है। ये है स्केलर, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यही है, अलजेब्रा यही होता है, 3 + 4 = 7 हो गया। नेक्स्ट वेक्टर्स, those physical quantities which has magnitude and direction, magnitude भी है direction भी है, and can be added by vector law of addition, ठीक है। so those physical quantities which has magnitude, comma direction and can be added by vector law of addition. example, displacement, देखो distance scalar है but displacement vector है, speed scalar है but velocity vector है। सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इम्पल्स एक्सेट्रा, तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर लॉ से ऐड होता है, जैसे 3 meter इधर है, 4 meter इधर है, तो रिजल्टेंट 5 meter होगा, सेम डायरेक्शन में 7 meter होगा। वो डिटेल आज करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो कैसे होगा वो डिटेल करेंगे, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट वेक्टर लॉ में कोई जरूरी नहीं है कि 3 newton + 4 newton हमेशा 7 होगा, 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट दोज आर कॉल्ड, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, जब भी हम कोई नई मैथमेटिक्स सीखते हैं तो कुछ बेसिक रूल होते हैं, जैसे इंग्लिश सीखना तो ABCD सीखना होगा, ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ठीक है। ये दिस गिव्स हेड, एरो गिव्स हेड और इसे टेल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेल। अगर ये 2 meter का वेक्टर है, 1 meter 1 unit मान ले, तो ये 2 meter हो गया ये वेक्टर। अगर ये लेंथ है 3 meter का है, तो 1 1 meter को डिवाइड कर सकते हैं 3 point को, ये इसे हेड भी कहते हैं या टर्मिनल पॉइंट, इसे टेल भी कहते हैं इनिशियल पॉइंट। तो ये वेक्टर 2 हो गया, ये वेक्टर 3 हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। तो लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड हेड गिव्स डायरेक्शन, आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ वेक्टर या ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दिस सी दैट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज ए और बी दो वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सारा वेक्टर शिफ्टिंग ही एक तरह से। अगर ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाएंगे ऐसे ही रखना है, तो ये शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी है, बी वी इज दिस साइड, तो बी को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ए इधर हो गया, बी है। अब इसको रखना कैसे है, बी की टेल को इसके हेड पे रखना है, तो बी की टेल को इसके हेड पे रखना है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इन दोनों का इधर नहीं होगा, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके दूसरे के हेड की तरफ होगा, टेल से हेड की, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल ऑफ एडिशन। So if two vectors A and B are taken in same order, then resultant is not in the same order. ये same order में, resultant same order में नहीं है, ये resultant opposite order में, तो that is called triangle of vector addition. You see that when two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऐसे ऐसे सेम ऑर्डर में नहीं है, रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में, रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा।
अब जैसे इस वेक्टर को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पहले ए को शिफ्ट करना, पहले हम बी को शिफ्ट कर देते हैं, बी को शिफ्ट किया बट एज इट इज ही करना है जैसे शिफ्ट किया, फिर ए को इसके टेल को इसके हेड से लगाएंगे तो ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसका टेल को हेड को, तो रिजल्टेंट ऐसे इधर नहीं होगा, रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड की तरफ होगा, तो ये भी करेक्ट है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखो ये और ये सेम डायरेक्शन। नाउ सी दैट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है, बट कई बार एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सी दैट ये ए और बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, एनी वेक्टर ए कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, बी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर नहीं होके इधर होगा, तो ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज द रिजल्टेंट। ऑल्सो वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, बी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया बी को, और ए को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब इन दोनों से भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं ये, तो दिस इज बी दिस इज ए, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी द फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, सो सी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। सो सी द डेफिनेशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, two sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is completely represented in magnitude and direction of the parallelogram passing through that point. So resultant चाहे ऐसे ले चाहे ऐसे ले तो same ही आएगा resultant. C is equal to A plus B or B plus A, कोई फर्क नहीं है, same answer. Now एक simple छोटा सा example, suppose A is a vector of magnitude 4.5 unit due north. नॉर्थ की तरफ है ये, व्हाट इज द वेक्टर 3a एंड -4a, वेरी सिंपल, नया वेक्टर a हो गया 3 into a, 3 और a की वैल्यू कितनी है 4.5, सो 13.5 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हो गया। नेक्स्ट -4a, नया वेक्टर b बन गया -4, a की वैल्यू 4.8 है, तो ये 18 यूनिट ड्यू साउथ हो गया, वो नॉर्थ था और ये साउथ हो गया क्योंकि माइनस है यहाँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज 18 यूनिट ड्यू साउथ हो गया। See the another method, analytical method of vector addition. It is very, very, very important for the school exam as well as its result is very helpful in many competitive objectives. So, let us see that. Let A and B are two vectors inclined at an angle theta. Ek vector A hai, ek B hai, inclined by an angle theta. Let C and drawn normal on AB produce. देखो ये वेक्टर ए है, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, ये ए हो गया, ये बी है तो ये बी शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सी एन, ए बी प्रोड्यूस, ए बी को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, ये नॉर्मल ड्रॉन होगा तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, सो दैट इज लेट सी एन नॉर्मल ड्रॉन ऑन ए बी प्रोड्यूस, ए बी को जो प्रोड्यूस किया गया उससे नॉर्मल ड्रॉन है इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये डिस्टेंस और ये हमने निकालना है, ये दिस वी हैव टू फाइंड इट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी एन, ये बी सी एन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फर्स्ट वी टेक कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस, सो कॉस थीटा इज बी एन बाय बी सी, कॉस थीटा बी एन बाय बी सी एंड बी एन, एंड वॉट इज बी सी, बी सी इज स्मॉल बी, तो बी सी बी हो गया, तो बी एन इज बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो वी गेट बी एन इज बी कॉस थीटा, आई थिंक इट इज क्लियर। Now we will calculate this distance. Now we will take sine theta. Sine theta is perpendicular by hypotenuse. So see that sine theta is cn by bc. Cn by bc. So yeah, cn ho gaya. And what is bc? Bc is b. So cn by b. So cn will be b sine theta. Cross multiplication. Now see that this is also triangle, right angle triangle, ये 90 है, so in triangle ACN, so in right angle triangle ANC, you see that ये right angle triangle में hypotenuse square is base square plus perpendicular square, so AC square is equal to, AC square is equal to, ये कितना हो गया, AB plus BN, AB plus BN square plus perpendicular, ये CN square हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ये ए सी सी है, सी स्क्वायर हो गया, ए बी, ए बी इज ए बी ए हो गया, एंड बी एन, बी एन इज बी कॉस थीटा, तो ये आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई थिंक ए बी
a plus b cos theta का होल स्क्वायर हो गया प्लस cn, cn कितना है ये b sin theta, तो cn देखो ये b sin theta का स्क्वायर हो गया, it is b sin theta square, so now c square ये ब्रेक करेंगे ये a plus b का होल स्क्वायर a square plus b square plus 2ab cos theta, a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta, I think it is clear. ये a square हो गया, ये a square है, ये c square है, taking b square common, so b square common sin square theta plus cos square theta 1 हो गया, so we are left with b square here and plus 2ab cos theta, so it is a very very important formula, as I told you, used in many chapters. Now case 1, if two vectors are parallel, theta is 0 degree, suppose दो vector parallel है, a भी इधर है और b vector भी इधर है, तो angle 0 degree हो गया, तो find the resultant, तो c square is a square plus b square plus 2ab cos 0, and what is cos 0, it is 1, it, so 1 हो गया, so it can be written as c square is equal to a plus b whole square, तो square square हट गया, तो c is equal to a plus b. So what does it mean? सिर्फ एक कंडीशन में वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन सेम होगा, अगर सपोज ए भी इधर है, ए भी इधर है और बी भी इधर है, तो वेक्टर एडिशन भी सेम होगा, स्केलर एडिशन भी सेम होगा. आई थिंक इट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट केस 2, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, थीटा इज 90 डिग्री, ए इधर है, बी परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री, सो हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स cos 90 0 हो गया, तो इट विल बिकम c square is a square plus b square, so c is under root a square plus b square, ठीक है, अगर एक 3 इधर है, 4 इधर है, तो resultant 5 आ जाएगा, ठीक है. Case 3, if two vectors are anti-parallel, two vectors are anti-parallel, मतलब a इधर है, b इधर है, b vector इधर है, तो angle कितना हो गया, 180 degree anti-parallel, if two vectors are anti-parallel, theta is 180 degree, तो putting here c square is a square plus b square plus 2ab cos 180, so it is a square plus b square, what is cos 180, cos 180 is minus 1, so it becomes minus 2ab, so therefore c square will be a minus b square, square square at guess c is a minus b, तो ये a है और b है, अगर a vector 4 है, b vector 3 है, angle 120 है, तो resultant कितना हो गया, 4 minus 3, तो 1 आ गया, I think clear हो गया. Now next, ये भी बहुत important है, if C makes an angle alpha with A, अगर ये resultant C makes an angle alpha with A, तो we can find alpha, so see that, now let the resultant C makes an angle alpha with A, then from triangle A and C, तो इस triangle में what will be tan alpha perpendicular by base, so tan alpha will be perpendicular by base, cn by an, cn by an, so therefore tan alpha is equal to cn, what is cn, cn is b sin theta, and what is an, an is a plus b cos theta, so this is equation number 2, so ye bhi bahut zyada important hai, equation 2 ho gaya ye, now numericals, number 1, suppose two forces of 5 newton and 10 newton are acting at an angle of 120 degree between them, find the magnitude and direction of the resultant force, मैग्नीट्यूड मतलब ये फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है, सो सिंस वी नो c स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहां c की जगह फोर्स है, तो f स्क्वायर हो गया, व्हाट इज a, a इज 5 न्यूटन, सो 5 स्क्वायर, b इज 10 न्यूटन, 10 स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 10, cos कितनी एंगल है 120, तो cos my cos 120, cos 120 इज माइनस हाफ, ठीक है, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, 90 टू 180 cos की वैल्यू माइनस होती है, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर 100, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 50, और ये f स्क्वायर विल बी 75, f स्क्वायर हो गया ना 75, सो f इज 5√3 न्यूटन इज द आंसर, first part ho gaya, this is magnitude, and find the direction of the resultant force, direction tan alpha kya hoti hai, b sin theta by a plus b cos theta, b is 10, sin angle 120 degree, a is 5 plus b is 10 cos 120 degree, to 10 into sin, dekho ye sin 120 wahi hota hai jo sin 60 hota hai, dekho 90 se 30 zyada hai,
और 30 कम है तो वैल्यू सेम होगी, साइन 60 और साइन 120 सेम होगी, तो साइन 120 रूट 3/2 हो गया, 5 + 10 कॉस 120 वही होगा, 90 से 30 ज़्यादा और 90 से 30 कम कॉस 60 है, कॉस 60 होती है हाफ, तो हाफ होती है तो कॉस 120 भी हाफ होगी मैग्नीट्यूड वाइज, बट 90 to 180 कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये याद रखने का तरीका है। तो 5 + 10 - 1/2, तो ये 2 सिर्फ 10 कैंसिल होकर 5√3, ये 5 - 5 जीरो समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, ये टेबल लॉग टेबल में वैल्यू है, tan अल्फा इज इन्फिनिटी, देन अल्फा इज 90 डिग्री, ठीक है ना, साइन 10, 30, 60 सब की वैल्यूज गिवन है, एंड tan अल्फा इन्फिनिटी होती है एंड अल्फा इज 90 डिग्री, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल टू द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर एट एन एंगल 60 डिग्री, ए और बी दो वैल्यू है आपस में एंगल 60 डिग्री है, द रिजल्टेंट ऑफ देम मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, इन दोनों की रिजल्टेंट कितनी एंगल बना रही है 45 डिग्री, विथ है ए से एंगल 45 डिग्री, इफ बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 2 units, बी की मैग्नीट्यूड 2 units है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसमें अल्फा भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, ठीक है, 3 values गिवन है, 4th आ जाएगा, वी नो दैट tan अल्फा इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, tan अल्फा, अल्फा गिवन है 45, तो tan 45, बी इज गिवन 2, क्वेश्चन में गिवन है बी इज 2 units, तो बी 2, साइन 60 आपस में एंगल थीटा 60 है, साइन 60, ए फाइंड करना है, ए प्लस बी, बी इज 2 कॉस 60 एंड tan 45 1 होता है, ये 2 है साइन 60 रूट 3/2, ए प्लस 2 कॉस 60 हाफ होता है, ये 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 बच गया यहाँ पे और ये 1 बच गया, तो ए प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 3, सो ए इज रूट 3 माइनस 1, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल 3, दैट एट व्हाट एंगल द 2 फोर्सेस पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट इज √3p² + q², ठीक है, तो जस्ट इट इज़ फॉर प्रैक्टिस कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वो रिजल्टेंट सी है, वी नो दैट c² इज a² + b² + 2ab cos थीटा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c इज √3p² + q² होल स्क्वायर, व्हाट इज a इज p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया, व्हाट इज b प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हो गया p प्लस q इंटू पी माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, सो दिस इज कॉस थीटा एंड वी हैव टू फाइंड थीटा। नाउ सी दैट स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर एंड रूट हट के 3p² + q² बच गया, ये p² + q² + 2pq cos थीटा, ये p² + q² - 2pq cos थीटा, 2 एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a² - b², सो p² - q² इज कॉस थीटा। नाउ यू सी दैट दिस इज 3p² + q², ये 2pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो p² बच गया, और 2p² + 2q² है, 2 कॉमन होकर p² + q² प्लस 2p² - q² cos थीटा। नाउ यू सी दैट नेक्स्ट स्टेप हो गया p², ये देखो ये इधर 2p² इधर ले जाएंगे तो 3p² - 2p², तो p² बच गया, ठीक है, और ये है 2q² और ये q² है, 2q² इधर ले जाएंगे तो -2q² + q², तो ये -q² बच गया ये, एंड दैट इज इक्वल टू इधर हमारा कितना है 2p² - q² cos थीटा, सो p² - q² कैंसिल हो गया दोनों साइड से, सो cos थीटा इज हाफ, सो थीटा इज 60 डिग्री, सो दिस बीइंग द आंसर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास्ट में आएगा। नेक्स्ट इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट सी दैट कि हाउ इट कैन बी सॉल्व। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 forces एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 एंड देयर रिजल्टेंट इज 12, मतलब 2 vector ए प्लस बी का सम 18 है और उसके रिजल्टेंट सी 12 है। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 degree विद फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस, ठीक है,
तो वी कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो, सपोज ये ए है और ये बी है और ये एंगल थीटा है एंड ये गिवन है जो रिजल्टेंट अल्फा है, ये वो ये मीनिंग है क्वेश्चन का, रिजल्टेंट अल्फा मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 90 विद अ वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, सपोज ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, तो वी नो दैट इट इज गिवन 10 90, वी नो 10 अल्फा इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, 10 90, 10 अल्फा 10 90 हो गया एंड 10 90 इज साइन 90 बाई कॉस 90, दिस इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, साइन 90 वी नो इट इज 1, कॉस 90 इज 0, हैव ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो वॉट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस ए बाई बी, लेट इट बी इक्वेशन 1. ऑल्सो इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट इज 12, सो सी स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज माइनस ए बाई बी, cos थीटा माइनस ए बाई बी हो गया, इट इज 144, तो ये बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन 2 है. ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन ए प्लस बी इज 18, क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी 18 है, ए प्लस बी इज 18, लेट इट बी क्वेश्चन 3. नाउ पुटिंग दिस यू सी दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 144 बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, सो 144 वॉट इज बी प्लस ए, बी प्लस ए इज 18 एंड दैट इज बी माइनस ए, सो बी माइनस ए विल बी 144 बाई 18, इट कम्स आउट टू बी 18, ये इक्वेशन 4 हो गया. Now adding equation 3 and 4, adding this, तो ये plus plus a है और ये minus a है, ये cancel हो जाएगा और b plus b 2b हो गया, so it is 2b and 18 plus 8 कितना हो गया 26, so for b is 13, so hence equation 3 becomes कितना हो गया, ये देखो b 13 आ गया, a plus 13 is 18, तो a plus 13 is 18, so a is 5. Hence the two answers are 5 and 13 and दोनों की सम 18 हो गया. I think it is clear. एक by chance ये एक shortcut method से ही बन जाएगा, second method. Suppose smaller vector x है, it is given that resultant जो है वो c बना रहा है smaller vector से angle 90 degree. तो ये vector x है और ये 18 minus x, any vector can be shifted parallel, ये 18 minus x है, ये resultant c है. तो Pythagoras theorem से we can write it. Perpendicular square is hypotenuse square minus base square. तो perpendicular square c square is equal to 18 minus x whole square minus x square. ठीक है ना? Perpendicular square is hypotenuse square minus base square. On c square, c कितना given है? C कितना given है? ये c है how much? ये 144 आ जाएगा c का square का 12 का square हो गया. And 18 minus x कितना हो गया? 18 माइनस एक्स, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 36 एक्स हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर है ही है, तो यहाँ से फर्दर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 एक्स इधर आके 36 एक्स हो गया, ये इधर आके माइनस हो के 180, सो एक्स इज इक्वल टू 5, सो सेकंड वेक्टर इज 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 5 दैट इज 13. आई होप क्लियर हो गया. तो ये शॉर्टकट लगाना हो तो ये शॉर्टकट लग जाएगा. नेक्स्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कई बार जैसे देखो ए बी सी ए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये 60 डिग्री नहीं है, देखो ए इज गोइंग दिस साइड, बी इज गोइंग दिस साइड, सो इट इज 120 डिग्री, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, डोंट टेल इट इज 60 डिग्री, ए एंड बी के बीच एंगल टेल टू टेल के बीच होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल. देखो ये डेरिवेशन में भी जो हमने कहा ना, टेल टू टेल के बीच एंगल थीटा होता है, सो 120. सिमिलरली बी और इसके बीच एंगल 120 डिग्री, सपोज दिस वेक्टर और इसके बीच भी 120 डिग्री. नाउ यू सी दैट ए और बी की रिजल्टेंट इधर आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, बट सपोज इधर है रिजल्टेंट, तो ये इसकी रिजल्टेंट इधर आएगी, ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, सो इसीलिए वेक्टर सम ऑफ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज ऑलवेज जीरो. द वेक्टर सम ऑफ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप इज ऑलवेज जीरो. अगर कोई भी वेक्टर किसी भी शेप का है तो वेक्टर सम जीरो होगी, चाहे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इरेगुलर है, ये फिजिक्स में कई जगह काम आएगा ये, ठीक है. और ये बता ही दिया मैंने, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज नॉट 60 डिग्री, बट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री.